आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सात चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, 11 अप्रैल से 19 मई तक होगा मतदान, 23 मई को होगी मतगणना। चुनाव से पहले सामने आई नेताओं की बदजुबानी, राजनीति से पहुंचे गुप्तरोक्त तक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ सरकार पर तंज, मध्यप्रदेश में शगुफेबाजी की सरकार। कमलनाथ की जानलेवा पुलिस ने किया खुदकशी के लिए मजबूर। और बीजेपी देगी 75 पार वालों को भी टिकट, बाबूलाल गौर बोले उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर के साथ, चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान कार्यक्रम 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 चरणों में 19 मई को समाप्त होगा। मतगणना 23 मई को होगी, उसके बाद देश में चुनी गई सरकार सत्तारूढ़ होगी। मध्यप्रदेश में 4 चरणों में 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 से 18 और 23 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 1950 पर फोन कर और SMS के जरिए वोटर अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि EVM में उम्मीदवारों की तस्वीर होगी और कुल 10 लाख बूथों पर वोट डाले जाएंगे। देश भर में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की 18 अप्रैल, तीसरे चरण की 23 अप्रैल, चौथे चरण की 29 अप्रैल, पांचवें चरण की 6 मई, छठे चरण की 12 मई और सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी। इसके बाद 23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीट पर चुनाव होगा, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर चुनाव होंगे, चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर चुनाव होंगे, पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे, छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे, सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 11, 18 और 23 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं मध्यप्रदेश में 4 चरणों में 29 अप्रैल 6 सीटों के लिए, 6 मई को 7 सीटों के लिए, 12 मई और 19 मई को 8-8 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। टॉल फ्री 1950 फॉर चेकिंग नेम्स थ्रू SMS। स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज फॉर एनरोलमेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु आर लेफ्ट आउट। नो स्वो मोटो डिलीशन ऑफ नेम्स आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज परमिटेड। नो डिलीशन मॉडिफिकेशन आफ्टर 10 डेज ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। Official voter slips, including those in Braille, for our voters, for persons with disability voters. This is distributed or shall be distributed at least 5 days before the poll to all enrolled voters. This process is rigorously monitored and schedule of distribution shared with the public representatives. In fact, at every stage, all these things are shared with the public representatives. However, we would like to make it clear that photo voter slip issued at the last minute shall be used for guidance but not as a proof of identity in the polling stations. We have already given a very detailed ad 2-3 days back that that slip will not be a proof of identity, but there are 11 other options which can be used to cast your vote, provided of course the name is on the electoral roll.
चुनाव आयोग ने कहा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी और समय समय के अंदर ही उसके इस्तेमाल की इजाजत होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी संवेदनशील कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की जाएगी और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सीईसी अरोड़ा ने कहा कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। कहा कि कुछ राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं, साथ ही चुनाव में ईवीएम की जीपीएट ट्रैकिंग भी की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव की तारीखों में फसल की कटाई और परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है ताकि किसी को दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आयकर विभाग से भी चर्चा की गई है। इस बार 84 मिलियन वोटर और बढ़े हैं और कुछ 90 करोड़ लोग इस बार वोट डालने जा रहे हैं। 18 से 19 साल के 1.5 करोड़ वोटर बढ़े हैं। अरोड़ा ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर पानी, शौचालय और बिजली के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साथ ही इस चुनाव में भी नोटा का इस्तेमाल होगा और सभी बूथों पर ईवीएम के साथ बीपीपैट लगाए जाएंगे। पालक संयोजक कार्यकर्ता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि बीते दिनों किसानों के कर्ज माफी के सर्टिफिकेट देने आए कमलनाथ ने एक भी विकास कार्य नहीं किया और विकास पुरुष बनने गए हैं। इनके नेता हाथ में फीता और कैंची लिए घूमते रहते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, संतान किसी और की और वल्दियत किसी की। आप सब लोग जानते हैं हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है, तेल जरे बाती जिया, तेल जरे बाती जरे और नाव दिया को होए, और लल्ला केले काऊ को और नाव दिया को होए। ऐसा ही हो रहा नहीं, आप बैठा के बताओ दोस्तों, ऐसा ही हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ऐसी सरकार के लिए क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ के एक और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं को पुलवामा की घटना दुर्घटना बम नहीं फेंका गया था, वो तो एक एक्सीडेंट था। वह अपना नाम चलाने के लिए अखबारों में, टेलीविजनों पे इस प्रकार के बयान देते हैं ताकि मालूम चले कि दिग्विजय सिंह जिंदा है। दिग्विजय सिंह आज भी काम कर रहा है, उनकी उंगलियों में और उनके मुंह में एक गुप्त रोग है। जब तक वो सुबह से अपनी उंगलियां नहीं चला लेते मोबाइल पे, कुछ लिख नहीं देते, कुछ ट्विटर नहीं कर लेते, जब तक अपने मुंह से कुछ देश के खिलाफ को बयान नहीं दे देते, तब तक दिग्विजय सिंह को भोजन का नसीब। बात गोपाल भार्गव पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने जवाब में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह में बवासीर है, नेता बाज नहीं आ रहे। भाषा की मर्यादा को लांघते हुए नेता भूल जाते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सागर की एक रैली में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को उंगलियों और मुंह में गुप्त रोग बताया, तो आज वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बवासीर होने का रोग बतलाया। यह दोनों डॉक्टर हैं या नेता, यह तो यही जाने। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जिसका जो काम है वो वही करे तो ठीक होगा। इस तरह की भाषा का उपयोग स्वच्छ राजनीति का प्रतीक नहीं है। बड़ी आपत्तिजनक है, विवादास्पद है। एक संवैधानिक गरिमा में पद पर बैठे हैं गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह का आचरण, इस तरह की बोली कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के चरित्र को दिखाती है, और इस तरह की बोली के लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और यदि वो बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के मुंह और हाथ में गुप्त रोग है, तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोग इस देश में दो ही लोगों को है, वो बवासीर का रोग है और वो है मोदी और अमित शाह, जो लगातार जुमलों की और उलझुल बयानों की राजनीति करते हैं, देश को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, देश को भटकाने की राजनीति करते हैं, देश को बांटने की राजनीति करते हैं और जुमलों की राजनीति करते हैं। कभी कहते हैं 250 आतंकवादी मर गए, कभी कह रहे हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। तो सबसे बड़ा रोग तो इन दोनों को है, भाजपा को तो इनका इलाज कराना चाहिए। उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अब तक केवल शगुफा छोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा ओबीसी आरक्षण का मसला सिर्फ चुनावी लाभ के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बैंड बाजा पर तंज कसा और कहा कांग्रेस सरकार रोजगार के नाम पर मजाक कर रही है, सरकार का यह समय काटू अभियान है, सरकार जानती है कि शगुफा नहीं छोड़ा तो युवा बैंड बजा देंगे। प्रदेश में अलग अलग लोग सरकार चला रहे हैं। केवल शगुफा छोड़ने का काम किया है, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी या रोजगार देने की बात कही थी, अब रोजगार के नाम पर कम से कम मजाक ना हो।
ये चिंता इस सरकार को करनी चाहिए। सरकार समय काटू अभियान चला रही है कि कैसे भी लोकसभा के चुनाव निकल जाएं, इसलिए कभी ढोर हाँकने वाली बात करती है, पशु चराने वाली बात करती है, कभी बैंड बजाने की बात करती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे सिगूफे उन्होंने नहीं छोड़े तो नौजवान ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करेगा, बैंड बजा देगा। सर, पकौड़ा तलने को लेकर मोदी जी ने कहा था मजाक उड़ाया गया था, अब कुछ गड़िया हाँकने की दे रहे हैं, बैंड बाजा की दे रहे हैं, तो बारात कैसे चल रही है कांग्रेस की? नहीं, वो तो बिना दूल्हे वाली बारात है तो कोई दिशा तो है नहीं। यहाँ भी कोई दूल्हा एक नहीं है, दिल्ली में भी संकट यही है कि जो महागठबंधन जिसको हम ठगबंधन मानते हैं उनके पास भी कोई नेता और दूल्हा नहीं है, पर यहाँ भी इतनी दिशाओं में अलग अलग सरकार चल रही कि असली दूल्हा कौन है ये पता ही नहीं चलता, इसलिए सब तरफ भ्रम की स्थिति है। और हमारे इतने कहने के बावजूद भी रोज तबादला उद्योग जारी है, कलेक्टर एसपी मजाक बन गए, एक दिन पदस्थ होते हैं फिर दूसरे दिन हटा दिए जाते हैं, दिशाहीन सरकार प्रदेश को भी दिशाहीन कर रही है। शिवराज सिंह ने कहा, समझ ही नहीं आता दूल्हा कौन है, प्रदेश में कलेक्टर एसपी मजाक बन गए हैं। ओबीसी के आरक्षण का शिवराज ने समर्थन किया और कहा मुख्यमंत्री और सरकार ने केवल चुनावी फायदे के लिए ये ऐलान किया है। जिंदा दिल बाबूलाल गौर को सुर्खियों में बने रहना अच्छे से आता है। जब बात टिकट की चली हो तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा, उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। कोई बात तो है ऐसी कि दुनिया हमें सलाम करती है। लोकसभा चुनाव में बाबूलाल गौर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारने वाले बाबूलाल गौर ने फिर ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर गौर मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी के 75 पार नेताओं के चुनाव लड़ने के फैसले पर गौर कहते हैं, मेरे कारण ही पार्टी ने यह फैसला लिया है। उम्र से किसी की फिटनेस, योग्यता और सक्षमता को नहीं परखा जा सकता। आजकल तो लोग पैदा होते ही बूढ़े हो जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलकर गए थे कि एक बार और बाबूलाल गौर। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने अपने हिसाब से हटाया, मुझको अकेले नहीं हटाए, कई लोगों को हटा, वो तो बच गई मेहंदी ली के उम्र का सर्टिफिकेट लिया, क्या अभी 75 की नहीं हुई, अभी 73 की हुई। चल लोकसभा चुनाव बीती बात है, विस्तार दीजिए। दावेदार पहले से ही है, पेश नहीं करना पड़ता, जीतने वाले को देंगे, वो सर्वे करा रहे, जो जीत सकता है उसको दे। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर मामले में मध्यस्थता को अस्वीकार करते हुए कहा कि संसद में कानून क्यों नहीं बनाया, ये उत्तर बीजेपी हिंदुओं को दे। राम टेंट में और नेता पार्लियामेंट में 3 तलाक का अध्यादेश आ सकता है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं आया, हमें मध्यस्थता नहीं मंदिर चाहिए, जब 84 खंभे मिल गए तो कौन सी मध्यस्थता। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर मामले में मध्यस्थता को अस्वीकार करते हुए कहा कि संसद में कानून क्यों नहीं बनाया, ये उत्तर बीजेपी हिंदुओं को दे। राम टेंट में और नेता पार्लियामेंट में 3 तलाक का अध्यादेश आ सकता है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं, जब 84 खंभे मिल गए तो कौन सी मध्यस्थता। यात्रा निकालकर लोगों को मरवाया क्यों, मेरा सीधा मुद्दा है और मैं राम मंदिर आंदोलन का 32 साल से नेतृत्व करने वाला नेता हूँ। लोकसभा में भाजपा जो यदि कोर्ट से मंदिर बनवाना था तो लोगों को आंदोलन करके मरवाया क्यों, वह भाजपा का नेतृत्व मुझे उत्तर दे। इसलिए मरवाया कि आपने कहा था सत्ता में आएंगे तो कानून बनाएंगे और आज 5 साल में कानून क्यों नहीं बनाया, और राम मंदिर नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। तोगड़िया ने कहा, बीजेपी को पूछना चाहता हूं, जब कानून से मंदिर नहीं बनवाना था तो कार सेवकों को क्यों मरवाया, समय है मोदी जी आप अध्यादेश लाओ और 1 हफ्ते में मंदिर बनवाओ, मंदिर नहीं तो वोट नहीं, अभी भी 2 महीने का समय है, अध्यादेश लाओ। काशी कॉरिडोर के नाम पर चारों ओर मंदिर तोड़े हैं, हमें काशी चाहिए था, जापान का क्यूटो नहीं। मंदिर तो 5 साल में बीजेपी ने नहीं बनाया और ना ही कांग्रेस ने, इसीलिए हमने हिंदुस्तान निर्माण दल बनाया है। हम ही देंगे अयोध्या में राम, किसानों को दाम, युवाओं को काम, सैनिकों को सम्मान, अब की बार हिंदू सरकार, सत्ता में आएंगे तो 1 हफ्ते में मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र चल रहा है।
पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि कमलानगर थाने के चार पुलिसकर्मी महेश सोनी, ऋषि कपिल जादौन की वसुलुकी के कारण और प्रताड़ना से तंग आकर बंटी उर्फ विकास मसीह ने 27 फरवरी को आत्महत्या कर ली थी। युवक के परिवार ने एसपी साउथ के पास शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें परिवार ने आरोप लगाया है कि रिश्वत नहीं देने पर चुनाव से पहले डकैती की साजिश रचने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं पहले अपराधी था, छूट के आने के बाद बहुत सालों से मेरा कोई केस नहीं है। पुलिस वाले मुझे हर बार हमेशा धमकाते हैं, कभी भी घर पर आ जाते हैं, घर से घर वालों को उठा कर ले जाते हैं और मुझसे हमेशा पैसों की डिमांड की जाती थी, जो मैं जब तक उन्हें पैसे देता था जब तक तो ठीक था, और उसके बाद में मैंने उन्हें पैसे देना बंद करे। तो चुनाव के टाइम पर उन्होंने मुझे ऊपर झूठा मामला लगा दिया, तो झूठा मामला लगा कर मुझे फरार घोषित कर दिया। वहीं पुलिस का दावा है कि युवक का आपराधिक रिकॉर्ड है। थाने की गुंडा सूची में उसके खिलाफ 11 संगीन अपराध हैं। परिवार का कहना है कि दो दिन के भीतर पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो मुख्यमंत्री निवास के सामने भूख हड़ताल करेंगे। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को नया नाम देने का फैसला किया है। अब से सफाई कर्मचारियों को सफाई मित्र कहकर संबोधित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शहरों के नाम आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को नया नाम सफाई मित्र देने का फैसला किया है। यह नया नाम देने के साथ ही सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सफाई मित्रों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। गौरतलब है कि इंदौर और उज्जैन के नाम स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के टॉप 10 शहरों में आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वच्छता पर भी सियासत शुरू हो गई है। जहां नगर निगम इस पर वाहवाही लूटने में लगी है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि यह सफाई कर्मचारियों की मेहनत का फल है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि सफाई मित्रों की मेहनत के फलस्वरूप यह मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन महापौर इसका श्रेय लेने में आगे आ गए हैं। प्रदेश की सरकारें जो पहले रही हैं उनसे अच्छा निर्णय हमारे कमलनाथ जी ने जो सफाई कर्मचारियों के हित में लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। जैसा कि सफाई कर्मचारी को सफाई मित्र के नाम संबोधित करेंगे, एक तो निर्णय ये है। दूसरा ये है कि इसके पहले मोदी जी ने या शिवराज सिंह जी ने बहुत ही ऐलान किए, बहुत ही भाषण दिए कि सफाई कर्मचारियों को हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हम सफाई कर्मचारियों के साथ में हैं। और सफाई कर्मचारियों को जो उनकी फैसिलिटीज थी सब खत्म कर दी गई शिवराज सरकार के अंदर। इसके बाद में कमलनाथ जी की जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें बड़ा अच्छा एक निर्णय 5,000 प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया कमलनाथ जी ने। उसके बाद में हमारे ये मित्र का जो सफाई मित्र बोला का संबोधित करने के लिए जो कहा गया है, बड़ा अच्छा निर्णय है और वो आगे भी निर्णय लेते रहेंगे। नगर निगम भोपाल के अंदर अभी कुछ इस तरीके के तत्व लोग हैं, जैसे कि एमपी सिंह थे, राकेश शर्मा है, अभी कुछ इस तरीके के बदतमीज लोग जो बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, जो नगर निगम सरकार नगर निगम भोपाल के अंदर, इन लोगों को फौरन वहाँ से हटाया जाए। भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के बुरे हाल हैं। इस घटना के बाद रेड क्रॉस प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। भोपाल के लिंक रोड पर बने रेड क्रॉस हॉस्पिटल में लापरवाही से खुरई से इलाज के लिए आए एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज के परिजनों का कहना है कि रेडक्रॉस हॉस्पिटल में भारी लापरवाही हो रही है। खुरई से आए शैलेंद्र अग्रवाल की रेडक्रॉस अस्पताल की लापरवाही के कारण मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कहा कि रेडक्रॉस में भारी धांधली है, अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जल्द ही इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे किए जाएंगे। मेरे जीजाजी मानो इधर एडमिट थे, संडे को एडमिट करवाया था उनको, खुरई से आए हुए थे और इधर पूरी इनकी अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी जान गई है। मानता हूं मैं उनकी हालत बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसको और बिगाड़ने में केवल और केवल रेड क्रॉस हॉस्पिटल और उसके जो एम्प्लॉई हैं उनका हाथ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि कौन सा सैंपल कौन से कलर की बॉटल में लिया जाता है और कब उसको किस उसमें लिया जाता है फॉर्मेट में। सीटी स्कैन की इनने सीटी स्कैन की फिल्म नहीं दी, डॉक्टर विजिटर डॉक्टर आए
मालूम उन्होंने जब फिल्म मांगी तो फिल्म उपलब्ध नहीं थी, जिससे ट्रीटमेंट प्रभावित हुआ और उनकी जान गई। और ब्लड रिपोर्ट जो ब्लड सैंपल जो लिया गया था वो कहीं ना कहीं गलत, उसकी रिपोर्ट नहीं आई तो इलाज प्रभावित हुआ, यानी पूरी की पूरी उनकी लापरवाही है। मेरे जीजा जी की डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आगे और कोई मरीज परेशान ना हो, इसलिए मैं ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ। न्यूरो सर्जन जो आए, आपने सिर्फ कागज़ के टुकड़े के आधार पर अपना ट्रीटमेंट लिख दिया, आपने ये उचित नहीं समझा कि वहाँ से फिल्म मंगाई जाए और उसके आधार पर ट्रीटमेंट चालू करा जाए। सिर्फ आपने बोल दिया कि साहब ये ट्रीटमेंट चालू होना है, ये कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में थोड़ा डैमेज है, उस आधार पर आपने चालू कर दिया। फिल्म किस लिए ली जाती है, फिर सिटी स्कैन किस लिए की जाती है, क्योंकि बारीक से बारीक जांच सामने आए, एक कागज़ के टुकड़े में पूरी बारीक जांच आ गई क्या उनके सामने और उसने आधार पर ट्रीटमेंट कर दिया। ऐसे लोगों का भी निरस्त करना चाहिए साहब ड्राइविंग लाइसेंस, कि जिन्होंने बिना फिल्म देखे यदि ट्रीटमेंट दिया है तो क्यों दिया है, उनको पहले मालूम होना चाहिए कि फिल्म देखने के बिना ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हाँ, इस्तीफा दे रहा है, नोट करो। ठीक ठीक, आपकी गलती को लेकर आप इस्तीफा दे रहे हैं ना? मेरी गलती आप नहीं, अभी आप नहीं, गलती पता करना, क्या बुलवा रहे हो यार? डॉक्टर आपकी गलती नहीं है, डॉक्टर जोहरी की गलती है, या आप मान रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हुई है, आपकी गलती नहीं है यार। इंक्वायरी के बाद तो अपन पता करेंगे ना। मतलब मीडिया ने मरीज के परिजनों से बात की तब उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की लापरवाही से हमारे यहाँ यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने किसी चीज की लैब से रिपोर्ट मांगी तो उन्हें देने में घंटों क्यों लग गए, समय पर रिपोर्ट ना मिलने की वजह से यह हादसा हुआ, और अगर रिपोर्ट जरूरी नहीं थी तो डॉक्टर ने रिपोर्ट क्यों मांगी। जब अस्पताल के जिम्मेदारों से इस विषय पर बात करने की कोशिश की तो वह हॉस्पिटल में नहीं मिले। नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित इलाके से पुलिस ने नक्सलियों का डम किया सामान बरामद किया है। नक्सलियों ने यह सामान जमीन के अंदर गाड़ कर रखा था। बरामद सामान में आईईडी रिमोट, आईईडी बम बनाने के लिए कुकर, बीपी शुगर टेस्ट मशीन और दवाइयों के अलावा खाने पीने की सामग्री है। सत्ता में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कामों से नाखुश विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया, धिक्कार दिवस मनाया। कमलनाथ सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें भोपाल के सांसद आलोक संजर के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास विरानी और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाया कि आने वाली लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकें और अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में लगा दें। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नेहरू गांधी के कारण देश जल रहा है, कि तुम कितना भी चिल्ला चोट कर लो, जीतेंगे मोदी ही। पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के अब कुछ ही एपिसोड बचे हैं। कलर्स के इस शो के होस्ट रोहित शेट्टी हैं और इसकी पूरी शूटिंग अर्जेंटीना में हुई है। टीवी के शो खतरों के खिलाड़ी का आखिरी एपिसोड रविवार को प्रसारित होगा। यह शो इसलिए खास है क्योंकि इसमें खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय कुमार होंगे। अक्षय ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह जलती हुई कारों के बीच रोहित शेट्टी के साथ चलते नजर आ रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में अक्षय ने लिखा है, यह केसरी का सुलगता हुआ हफ्ता है। तस्वीर के बाद कैप्शन में लिखे अक्षय ने पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा है, मेरी बीवी को मत बताना। सुपरस्टार ने खुद अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की घोषणा कर दी है कि वह इस शो पर नजर आएंगे। इसी तस्वीर को शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। रोहित ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, खतरों के खिलाड़ी का सीजन कल खत्म हो रहा है, शुक्रिया इसे भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाला शो बनाने के लिए। आगे रोहित ने लिखा, इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है शो को खत्म करने का। असली खिलाड़ी के साथ इस शो को लास्ट एपिसोड रिलीज किया जा रहा है। पुनीत जे पाठक, शमिता शेट्टी, अली गोनी, रिद्धिमा पंडित, आदित्य नारायण और भारती सिंह फिनाले एपिसोड में जगह बना पाने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय इस एपिसोड में अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन करने आ रहे हैं। अक्षय गुड न्यूज के बाद रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी में काम करते नजर आएंगे। फिल्म का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया है जिसमें अक्षय एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि जर्जर भोपाली आपके साथ, आपको सुनाएंगे भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और मेरे को गर्मी में बहुत ठंड लगती है इसलिए टोपी लगा लेता हूँ, बता रही हूँ।
और भैया देश में बहुत चाँच चू मछली है, कल्लन मियाँ या जरा यार इनके सबके मुंह में आना बिरयानी डालो, थोड़ी देर तो चुप रहेंगे, मेरे खाने ने पका दिए नेताओं ने, बता रहा हूँ बहुत दर्द हो रही है। और एक उमदा खबर बता रही हूँ, ये नितिन गडकरी है ना जो क्या कह रहे हैं पेशाब से है ना यूरिया बनाएंगे, वो बता रहा हूँ इतना देश में उत्पादन होगा यूरिया का, विदेशों में भी सप्लाई करेंगे बता रहा हूँ। और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बता रहा हूँ, लोग क्या है वोट लो वोट ले लेके जाएंगे बाथरूम में, सबके बाथरूम में बोटलें भरी पड़ेंगी मिलेंगी, अब फ्री का पैसा किसको बेकार लगता है बता रहा हूँ। वो बता रहे सुलभ शौचालय में जाएंगे लोग, वो कहेगा भाई ऐसे मत करो बोटल में करो, वही पैसे भी मिलेंगे बता रहे हूँ, ये होने वाले हैं बता, इतना बढ़िया न्यूज है। और ये खबर ये केजरीवाल है ना, इनको क्या है ये कह रहा है मोदी है ना बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इन्होंने है ना ये अपनी लोकसभा कैंडिडेट इन्होंने ही तो डिक्लेयर किए, तो बूथ किसको बूथ की चिंता किसको पड़ी है, इन्हीं को पड़ी है। और बता रहे हो हमारा जो मिल्क बूथ है ना बहुत मजबूत है, मिल्क बूथ पे श्रीखंड मिलता है, रबड़ी मिलती है, पेड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है, हम तो खा खा के ये थे मजबूत हो गए बता रहे हो, हमारा बूथ बहुत मजबूत है। हाँ वो बता रहे हो ये एयर स्ट्राइक पर तो ऐसा अमृत मंथन चल रहा है देश में, और ये एयर स्ट्राइक को लेके है ना लोग सबूत मांग रहे हैं, ये जो सबूत मांग रहे हैं जो नेता बता रहे हैं, कोई कह रहा है पेड़ पे गिरा दिए पहाड़ों पे गिरा दिए बता रहे हूँ, ये सिद्धू विद्धू है बता रहे हूँ, इनको तो क्या करना चाहिए मिराज से बांध के ले जाओ, और इनके गले में एक टांग दो वो मोबाइल तो रिकॉर्डिंग करके है ना खुद ही ले आएंगे, तब इनको सबूत मिलेंगे बता रहे हूँ ये। और वो अमित शाह हैं वो भी है, वो भी काम नहीं है, वो कह रहे हैं 250 लोगों को मारा, आज तुम कहे थे क्या आप देखने हैं, वो बता रहा हूँ अगर राजनीति भी करनी है तो बहुमत के लिए 272 चाहिए सीटें, 272 बोलो ना, ये तो चल रहा है बता रहे हूँ, लगे हुए हैं अमृत मंथन करने। वो बता रही है पाकिस्तान से खबर आ रही है इन्होंने 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, और मैं कह रही हूँ ये अब कहाँ से आ गए इनके पास, ये बहुत कहते थे ना हमारे पास नहीं है हमारे पास नहीं है, अब ये कौन से बिलों से निकाल के ले आ रहे हैं, अरे आतंकवादी देश हो भैया ये मान लो, और खुद भी परेशान हो रहे दूसरी दुनिया को परेशान कर रहे हो। हाँ बता रही हूँ, और इंदौर है ना ये स्वच्छता अभियान में इंदौर पहला नंबर मार दिया है इस बार, बहुत उम्दा मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मैं भोपाली भाइयों से कह रहा हूँ भैया ये पिच करना बंद कर दो, ये कहीं भी मार देते हो यार भोपाल पीछे रह जाता है इस चक्कर में, कहीं भी कचरा फेंक दिया पान के आगे झुक दिया बीड़ी सिगरेट फेंक दी, ये चल क्या रहा बता रहे शहर की अपने अपने शहरों की चिंता करो, सब स्वच्छ हो जाएंगे सभी नंबर बनाएंगे बता रहे हूँ। हाँ आखिर में भैया एक शेर सुन लो, बम 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 भोले वो आतंकवादी ठिकानों पर बरसा दो गोले, मैं भी जा रहा हूँ बरसाने, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।